हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मैम यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड गो अहेड विद द क्लास। या जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, shall we start? Yes, ma'am. Okay. Hello, friends. Hello, students. आज we are going to, आपने टॉपिक तो ऑलरेडी देख ही लिया है और यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आर्किटेक्ट एंड हिज नेम इज सर एडविन लैमसियर लुटियंस एंड उनको हम किस तरीके से जानते हैं ये एज एन आर्किटेक्ट वी नो हिम बिकॉज ही इज अ ग्रेट आर्किटेक्ट एंड उन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया था और जो दिल्ली हमने देखी है आई गेस ऑल ऑफ अस मस्ट हैव सीन दिल्ली। हमने देखी, हम सब ने देखी ही होगी और जो लोगों ने नहीं देखी होगी वो एटलीस्ट दिल्ली के बारे में अच्छे से जानते ही हैं। देर इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली विच इज स्पेशली कॉल्ड एज लुटियंस दिल्ली बिकॉज इट वॉज डिजाइन बाय हिम एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट दैट इज सपोज टू बी द प्राइम लोकेशन ऑफ दिल्ली राइट नाउ। अब उनकी डिजाइनिंग को हम डिस्कस करें उससे पहले आई गेस वी शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली आल्सो। हम दिल्ली की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्योंकि हमारा पर्पस इस क्लास में सिर्फ ये नहीं है कि एज एन आर्किटेक्ट उन्होंने क्या काम किया। आई एम ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें ये भी है कि वो एज एन आर्किटेक्ट उन्होंने उनका क्या रोल था। उसके साथ आई वॉन्ट यू टू नो कि दिल्ली अपने आप में इवॉल्व कैसे हुई, दिल्ली की हिस्ट्री क्या है एंड जो आज की सिनेरियो है उसमें क्या किन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एंड देन आई रियली वॉन्ट यू टू नो कि जिस तरीके से आज दिल्ली दिखती है इफ एवरीबडी हैज सीन देर इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली विच इज ब्यूटिफुल एंड देर इज अ सर्टन पार्ट ऑफ दिल्ली विच इज कंजेस्टेड विच इज आई मीन आपने आई गेस आपने कभी पुरानी दिल्ली देखी है, सदर या पहाड़गंज, चांदनी चौक, यू विल फाइंड वेरी क्लटर्ड, वेरी कंजेस्टेड, छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, बहुत पुराने घर भी मिलेंगे आपको। वो एक डिफरेंट ही दिल्ली है। और इफ यू कम टू दिस एरिया वेर यू हैव राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, यू हैव इंडिया गेट, ये एक अलग ही दिखती है। सो इसके पीछे भी एक कहानी है, देर इज होल ह्यूज स्टोरी। जबकि दिल्ली बोला जाए तो अपने आप में एक स्टोरी ही है। उसके बारे में आई मीन देर इज सो मच ऑफ न्यूज एंड सो मच ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड द होल थिंग। शायद 1 घंटे हमारे लिए कम पड़ जाए बट आई हैव ट्राइड टू यू नो पिक्ड अप एवरीथिंग एंड मेड इट अ कंसाइज सेशन वेयर इट कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स और थोड़ा थोड़ा सब कुछ है उसमें और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिल्ली कितनी किस तरीके से इवॉल्व हुई। सो वील गो स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले I'll share the screen. I'll share you the presentation which I have prepared for you. Okay. So
सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली के बारे में. इट्स एक्चुअली दिल्ली का एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रही है. फ्रॉम वी गो बैक टू हिस्ट्री ऑल टुगेदर, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था एंड दैट वाज अ सिटी ऑफ पांडवर्स. एंड उसके बाद देर हैज बीन अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, लाइक सो मेनी रूलर्स हैव इन्वेडेड दिस प्लेस एंड सो मेनी रूलर्स हैव एक्चुअली ट्राई टू रूल आवर कंट्री. तो इस प्रोसेस में बहुत सारे रूलर्स आए. वी विल नॉट गो टू मच इनटू हिस्ट्री ऑफ कि कौन कैसे रूल किया, बट वी हैड खिलजीज, तैमूज थे एंड देन लोधीज, शेरशाह सूरी एंड एन नंबर ऑफ रूलर्स दे केम एंड कोई किसी को मतलब डिफीट किया एंड अनदर रूलर केम एंड उसमें राजपूत भी थे एंड देन मुगल्स केम. इतने पीरियड ऑफ टाइम में हिस्ट्री हैज गॉन थ्रू अ लॉट. हर कोई रूलर आता था तो वो अपनी एक इम्प्रेशन छोड़ के जाता था और एक अपना, बिकॉज उनका पर्पस ये होता था, इवन इफ दे आर नो मोर दे आर नॉट इन टू द वर्ल्ड, बट उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स और उनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर टू रिमेम्बर. सो हर रूलर अपनी एक इम्प्रेशन छोड़ के जाता था और मॉन्यूमेंट बनाता था और वो आज तक वो हिस्ट्री में दिखता है. वी कैन सी दैट ऑल अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी. अब उसी केस में जब शाहजहां, बेसिकली शाहजहां का कैपिटल उस समय दिल्ली नहीं था, आगरा था. बट देन ही रियलाइज टू शिफ्ट टू दिल्ली बिकॉज ही फेल्ट दिल्ली इज द सेंटर ऑफ द कंट्री एंड ही कैन बी एज एन एम्परर ही शुड बी शिफ्टिंग टू दिल्ली इज अ बेटर ऑप्शन. तो उन्होंने मतलब उन्होंने ये आदेश दिया था कि दिल्ली में वो एक अपना जो भी है अपना महल बनाना चाहते हैं. सो ही स्टार्टेड, दैट वॉज अराउंड मिड ऑफ 17th सेंचुरी एंड उनका दैट वॉज द टाइम वेन रेड फोर्ट स्टार्टेड टू बिल्ड और दे डिसाइडेड कि वो यमुना के एज पे जो एरिया है उसमें बनाएंगे एंड देन दे स्टार्टेड विद उसको उन्होंने शाहजहानाबाद नाम दिया एंड इट वॉज अ फोर्ट विच हैड अ ह्यूज बाउंड्री वॉल एंड इट्स ब्यूटिफुल फोर्ट दैट वॉज डिजाइन एंड इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स टू कवर एंड देन उतने सारी आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन और लेबर लगी थी उसको बनाने में एंड केम आउट टू बी अ ब्यूटिफुल फोर्ट. और काफ़ी दिन तक शाहजहां वहाँ रहे भी थे एंड देन आफ्टर दैट ही वेंट बैक टू आगरा. देन औरंगजेब ने भी वहाँ पे किया एंड देन ऑफकोर्स लेटर ऑन द स्टोरी इज कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे धीरे 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 अपना एक वो स्ट्रेंथन करते चले गए. उन्होंने अपना पावर धीरे धीरे पावरफुल होते गए एंड एवरीथिंग चेंज, द होल सिनेरियो चेंज. उस समय शाहजहानाबाद लुक एंटायरली डिफरेंट. वो उसमें भी उन्होंने एक पूरा का फोर्ट जो बनाया था जिसकी बाउंड्री थी एंड देन द होल थिंग वाज इनसाइड, इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स. और वो फ्रंट में वहाँ पे दे हैड देयर जामा मस्जिद एंड देन द चांदनी चौक वाज ओवर देयर ओनली. तो ये कुछ इमेजेस आप देख भी रहे होंगे विच शोज कुतुब मीनार एंड तो इन दिस इज एन इमेज विच शोज दैट दिस इज हाउ द रेड फोर्ट यूज टू लुक लाइक. यू हैड अ यमुना रिवर फ्लोइंग एंड ये बाउंड्री वॉल थी जो रेड फोर्ट की थी एंड दिस वॉज द होल रेड फोर्ट एंड दिस वॉज द एरिया वेयर कॉमन मैन यूज टू लिव एंड चांदनी चौक भी इसी तरफ था. तो इस तरीके से कुछ डिजाइन हुआ था एंड देन ऑफकोर्स वी नो दैट ब्रिटिशर्स केम एज अ बिजनेस मैन हियर. They wanted to do the business, and eventually they got involved into the politics. And they've understood that somewhere there is not too much of a unity between the rulers and the
took the advantage of that, उस benefit को उठा के उन्होंने धीरे 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 इसके हमारे country के ऊपर what I'll say is कब्जा कर लिया. तो उस process में that when Britishers had the capital in Calcutta, so Queen Victoria ka वहीं पे बैठती थी and then they realized that they should be shifting to to Delhi and officially they should be shifting to Delhi and declaring Delhi as the their capital. So that was in 1911 when they decided that and they shifted to in Delhi. But Delhi mein aane ke liye they wanted the whole area to be replanned and so that they can have, because wo is purpose se aaye nahi the ki unhe jana hai. They had that intent ki they are going to be ruling this country forever. So they wanted their own buildings, their own you know the whole office and everything. वो administration पूरा यहीं से करना चाहते थे. तो उनका purpose था, तो उन्होंने सोचा कि जब when it's been so many years now they have to stay here only. तो उन लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे development करने की सोची. So that's how the whole thing came in, and from 1911 they started the process of planning. And for that Sir Landseer, Edwin Landseer Lutyens was given the project to do the designing of this place. These are few images of Red Fort. And let's now let's go into a little a bit about him as a person. Sir Edwin Lutyens was actually born in 1869. He was an English architect, and he did his architecture from South Kensington School of Art, London, and that was for the 2 years, because at that time the courses used to be of 2 years only. After that, he started working with the various architectural offices, and where he met Sir Herbert Baker. Herbert Baker has also a very good role in planning of Delhi, that we'll talk about later on. But yahan pe unki pehchan hui thi, and then they became friends. Lutyens played an instrumental role in designing and building of New Delhi, which would later on serve as the seat of government of India. उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था दिल्ली को डिज़ाइन करने में, और वही जो एरिया जो उन्होंने डिज़ाइन किया था वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर स्पेस बना या सीट बनी, जहाँ पे द होल एडमिनिस्ट्रेशन टुक प्लेस एंड दैट स्टिल टेक्स प्लेस. इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन न्यू दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज द लुटियंस दिल्ली. दैट इज हाउ दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लुटियंस दिल्ली. Eventually died in 1944. In collaboration with just a moment. So eventually what happens is ki Edwin Lutyens ne kuch particular part pe Delhi mein kaam kiya tha, kuch particular building se jis pe Herbert Baker ne kaam kiya tha, and then there were few more on which Robert Russell ne kaam kiya tha. So they all worked together, but major planning of Delhi was done by Lutyens, and other few buildings were done by Sir Herbert Baker and Russell. So Lutyen Delhi jo area hai, jo aapne dekha hoga India Gate aur Rashtrapati Bhavan aur North Block aur South Block aur uske beech ka jo Rajpath hai, that is the major central area. एंड उसके बाद सारी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वहाँ पे सराउंड करती हैं. दैट प्लानिंग वॉज एक्चुअली डन बाय एडविन लुटियंस, एंड उसके आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं जैसे इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है. दीज वर डन बाय द लुटियंस एंड विद द हेल्प ऑफ ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ हर्बर्ट बेकर. हर्बर्ट बेकर ने मेजरली जो डिज़ाइन की थी वो थी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, एंड देन ही डिज़ाइन फ्यू बंगलोज ऑफ किंग जॉर्ज एवेन्यू एंड फ्यू अदर बिल्डिंग्स आल्सो. एंड
आपने कनॉट प्लेस देखा होगा, कनॉट प्लेस एंड जनपथ एरिया, देन तीन मूर्ति हाउस, सफदरजंग एयरपोर्ट, नेशनल स्टेडियम एंड अदर फ्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग, दीज वर डिजाइन बाय रॉबर्ट रसल. ये इस तरीके से डिविजन हुआ था और इस तरीके से इन लोगों ने बिल्डिंग्स को डिजाइन किया था. बिफोर वी कम टू द प्लानिंग, लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द साइट. जब उन्होंने ये साइट चूज की थी तो उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रीजन थे. पहला इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जिसको पहले ये लोग वाइस रॉयज हाउस बोलते थे, दैट वॉज वाइस रॉयज हाउस, और दैट इज ऑन द रायसीना हिल्स एंड इट इज सपोज टू बी द हाइस्ट एरिया इन दैट पर्टिकुलर जोन. तो वो चूज किया था. एंड देन बीइंग द सेंटर एरिया ऑफ दिल्ली, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि वहाँ पे यहाँ से एक रेलवे लाइन क्रॉस होती थी विच यूज टू गो टू आगरा, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, विच दे हैड टू शिफ्ट. सो इवेंचुअली दे शिफ्टेड दैट रेलवे ट्रैक फ्रॉम देयर एंड देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर एरिया. और वाइसरॉयज हाउस सबसे ऊपर इसलिए चुना था बिकॉज वो एरिया में ड्रेनेज बहुत अच्छी थी बिकॉज ऑफ द हाइट. एंड दूसरा ये था कि उस एरिया से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इन दिस एरिया, हुमायूं टूम्ब और कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ से. सो यू कैन हैव अ लुक एट द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो एंड अ गुड view of the surrounding Delhi. तो इसलिए उसको select किया गया था for जिसको आज के डेट में हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं. तो that was selected and then they started with the planning. तो the image of राष्ट्रपति भवन you can see and these are buildings which are quite it's been around more than a decade, a century old, but still they look as fresh even now, and they look beautiful, and they have the architecture has been a mixture considering the kind of culture you have here, so, and the kind of materials availability is here. They have considered everything and then they did the they chose the material and then the styles like jalis, chhajjas, are all Indian class elements which they had picked and then used into their design. But certainly they came up with a very very good planning and designing which is still effective and functional. The city has grown so much and so much of population, but still the city has been able to cater to such huge population and is not that much affected. So he was actually leading a group of architects who actually helped him out into working out the administrative area. One thing that he kept in mind is that a lot of landscaping is done and a lot of greenery has been provided into the area. And for that, he provided a lot of gardens also. That is behind the Rashtrapati Bhavan. You have variety of gardens and you have a good amount of lawns surrounding the Rajpath and the India Gate, all these areas. So this is basically a view of Rashtrapati Bhavan, which was initially called Viceroy's House and which was located on top of the Raisena Hill. Then Rajpath is also called as the King's Way. Initially, it was called King's Way because that was a way, King's Way, they used to say, because King's Way is like a way that was leading to Viceroy's house. So, वो बहुत बड़ा एक pathway था जिसको अब हम जनपद कहते हैं. No, sorry, it's called Rajpath कहते हैं. इन्हीं के साथ Connaught Place और जनपद और ये सारी चीजें at a distance, but sari connected thi. This is the image of India Gate, which is here. If you will see, if I'll zoom it for you, here it is the Rashtrapati Bhavan, and then you can see straight Rajpath, and then the India Gate over here.
this is the north block and the south block, the secretariat building where our prime minister's office is there. Now coming to these are the areas. This is a secretariat building, and then this is the Connaught Place, which is the commercial place which was designed at that time, and it is still working and being a most prime commercial area in Delhi. Few cathedrals were also designed at that time. Cathedral, what you call in local, you can say the church. The two church उस समय design हुए थे and ये भी उन उसी area के आसपास हैं. बहुत दूर नहीं होते हैं. And this is the Cathedral Church of Redemption and Sacred Heart Cathedral. तो ये यहाँ पे हैं. ये भी उसी time पे बने और बनाए गए थे. And yes, still as it is fresh and beautiful. So let's come to the little planning of how Delhi was and how it worked out. So basically, New Delhi, which was initially called as Shahjahanabad. इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि basically ये fall करती है on the fringes of Gangetic Plains. और it is approximately 1043 feet above the sea level. Delhi normally बहुत ज़्यादा level drops, ups and downs नहीं है, पर वहाँ पे एक अरावली hills हैं, range है जो कि वहाँ पे Delhi में है और अभी भी दिखती है of course. Lot of forests are there. Approximately 11.5% of forest cover is in Delhi. So this is about a little topography of Delhi. Now when they जब ये project Lutyens को मिला था, then he thought of making उनके planning में जो दिमाग में जो planning थी वो ये था कि he'll keep the roads at right angle, whatever he thought about. But at that time जो वहाँ पे Lord Hardings थे, तो उन्होंने he said because he knew well about the country and the city. So he said because there are a lot of like you know, बहुत आंधी आती है, storms बहुत आते हैं, windy बहुत है, and dusty storms आते हैं. So he wanted that the planning should be in such a way that there are a lot of roundabouts, and roundabouts के चारों तरफ जब road interconnected road cross हो, तो lot of greeneries है, like lot of trees are there. So those trees are actually going to help in these dust storms ko control karne mein bahut help karenge. So he insisted on that, and he wanted Lutyens to go in for the planning that was happening, that happened in Rome, Paris and Washington. So he asked him to study and then do it accordingly. So on that basis, what he did was Lutyens came with the planning, जिसमें roundabouts बहुत उन्होंने design किए. अभी hello. अरे बुर्गे रहा रही तुम मारा ना दे रहो. ये बराबर नहीं ले. Mute कर लीजिए आप my. Please mute. Okay. ना के ने. आई देने. आरु. Hello. Please mute. ओके सो जब आप दिल्ली की प्लानिंग देखेंगे तो आपको बहुत सारे राउंड अबाउट दिखेंगे उस एरिया में, और राउंड अबाउट से सारी रोड्स क्रॉस होती हैं, और हर रोड एट एन एंगल ऑफ 30 to 60 डिग्री हैं, एंड लॉट ऑफ हेक्सागन्स आर फॉर्म्ड. अभी हम सारा प्लानिंग चेक करेंगे तब आप रियलाइज करोगे. जो आप इमेज यहाँ देख रहे हैं, दिस इज हाउ the network of the planning network of the Delhi was worked out. So isme jo ye center wala hai, ye LA hai, this was the main Rajpath or the king's way that he decided ki ye central hoga. This is a basic zone planning that he did, and this is how he will work out the hexagons and the roundabouts. Sare roundabouts honge, okay. And ye network run karega, and then here it will be king's way, and then the viceroy's house.
So, उस बेसिस दे फर्दर वेंट ऑन टू डेवलप इट लाइक दिस. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो इसमें डेवलपमेंट में इससे बेहतर बेटर ये आया वेयर दे वर्कड आउट दिस एज द इंडिया गेट हियर एंड देन द राजपथ गोइंग एंड हियर द वाइसरॉयस हाउस एंड देन दीज आर द राउंड अबाउट्स. तो ये फर्दर डेवलपमेंट हो गया उसी का जो इन्होंने वर्कआउट किया. एंड नाउ After that, they worked out a little more detail, where you can see here, these are the north and south block. Here you will have the Viceroy's house, here Parliament, and this is the India Gate, and then the network. So, these steps दिखाए गए हैं कि किस तरीके से Edmund Lutyens ने planning को develop किया था and process कैसे चला. So, I mean, you can just go into a lot of details. I have added a few links also. आप इन links को open करेंगे तो you will go to, you can have a look at all the details about the buildings. Now this is, जब layout design किया था तो दो तीन monuments भी उनके दिमाग में थे जिनको उन्होंने ध्यान में रखा था कि उसकी visibility and उसकी connectivity कैसे होगी. तो ये भी चीज़ें बहुत ध्यान में रखी गई थी. Now here again we go. ये वो सेम थिंग दिस विल बी द इंडिया गेट. ये डेवलपमेंट के स्केचेस हैं हाउ दे केम हाउ दे बेसिकली डेवलप्ड द नेटवर्क एंड द. तो इसमें ये चीज ध्यान में रखी गई थी ये सर्कुलर जो चीज आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस है एंड यहाँ पे इंडिया गेट एंड देन दिस इज द किंग्स वे द वॉइसरॉयज हाउस दीज आर द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड यहाँ से ये नेटवर्क सीधे यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो यू विल गो टू कनॉट प्लेस. So that everything and इसके surrounding में इन्होंने बहुत सारे bungalows दिए थे. ये पूरा administrative area consider हुआ था जहाँ पे residentials नहीं होंगे. Oops, sorry. Just a moment. Yeah. Hmm. So that is how basically they started developing and for that now I'll just show you a few. I mean, let me go to another. I'll share the screen of Google Earth where exactly we'll see how the planning actually was done, so that you'll be able to understand a little more better. So, ये आपको view दिख रहा है, जिसमें I'm trying to show you exactly where India Gate is. ये पूरी एले बनती है और ये रहा आपका यहाँ पे इंडिया गेट. एंड इंडिया गेट से आप देखोगे ये पूरा राजपथ सीधा आता है एंड ये पूरा सीधा चलता जाएगा एंड इट एंड्स एट दिस इज द राष्ट्रपति भवन. दिस इज द राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के पीछे आप ये एरिया जो देख रहे हैं this is supposed to be the Mughal garden. This is the Mughal garden here jaise and this is the Rashtrapati Bhavan. Aap further move karenge so you can see the north block and the south block. This is the Ministry of Home Affairs and the External Affairs which you can see. This is the Parliament here and ye Rashtrapati aapka straight jata hai jo end hota hai India Gate pe. Pura series yahan pe aapka इंडिया गेट यहाँ पे आ जाता है. दिस इज व्हाट यू सी हियर दिस इज द इंडिया गेट. फाइन नाउ लेट्स ओके अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. नाउ यू विल बी एबल टू सी अ लिटिल मोर दिल्ली का नेटवर्क में आप ध्यान से देख लेंगे जो प्लानिंग की बात हम कर रहे थे वो कैसे हुई थी. इफ यू कैन सी आपको दिखेंगे हेक्सागन्स बहुत हैं क्रिएट हो रहे हैं एवरीवेयर यू कैन फाइंड दी हेक्सागन्स. ये सारे राउंड अबाउट्स डिजाइन हुए थे एंड जिसमें से रोड्स एक दूसरे से इंटरलिंक होती थी एंड यू हैव सीरीज ऑफ डायगोनल हेक्सागन्स व्हिच आर क्रिएटेड इन द नेटवर्क. सो दिस होल जब प्लानिंग की गई थी तो उनका बेसिक
प्लानिंग कॉन्सेप्ट ही यही था कि दे विल बी फॉलोइंग हेक्सागोनल ग्रिड एंड सारे राउंड अबाउट्स होंगे और इस रोड के चारों तरफ इन्होंने बहुत पेड़ बहुत सारे ट्रीज लगाए गए थे और ये ट्रीज ज्यादातर आप देखोगे तो अभी भी हैं, जामुन के पेड़ हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेसिडियस ट्रीज हैं जो कि आज भी लगे हैं और दे गिव द होल एरिया दे कीप द होल एरिया ग्रीन एंड इन शैडो. तो ये नेटवर्क जो क्रिएट हुआ था ये आज भी एज इट इज फंक्शनल है एंड विच यू कैन आई गेस यू कैन वेरी वेल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाउ डिड ही वर्क आउट द होल प्लानिंग. इसमें कुछ दिस इज द कनॉट प्लेस हियर. सो इफ दिस इज द राष्ट्रपति भवन यू कैन सी कनॉट प्लेस इज समवेयर हियर. यहाँ से एक रोड जाती है स्ट्रेट जो कनॉट प्लेस को कनेक्ट होती है एंड देन उसी रोड पे जनपद है द मेन मार्केट द कमर्शियल एरिया एंड देन उससे एक रोड इस तरफ जाती है जो कि पूरे बंगलोज के लिए होती है. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लानिंग विच ही हैड परसीव्ड एंड ही वर्कड आउट. आई विल गो बैक टू द to the slides again. So this is how the planning was well thought and yahan pe aap maine ek image bhi capture ki hai aapke liye so that you can understand ki kaise work ho raha hai. Ye this is the Rashtrapati Bhavan. You have the whole Mughal garden and then this is the Rajpath. These are the north and the south block, parliament and Rajpath that ends here to India Gate. अब इस इंडिया गेट के आसपास आप यहाँ पे बहुत सारे इंडिया गेट के आसपास आपने देखा होगा ये हेक्सागन फॉर्म करता है जिसमें वी नॉर्मली ट्रैफिक मूव्स इन दिस एरिया. अंदर तो ट्रैफिक जा नहीं सकता बट यहाँ पे ही एक चिल्ड्रंस पार्क भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड देन दिस हेक्सागन और ऐसे ही हेक्सागनल नेटवर्क इज एवरीवेयर. यू कैन सी दिस इज अ राउंड अबाउट एंड देन द रोड्स इसी में से रेडिएट करती हैं एंड देन अ हेक्सागन फॉर्म. सो इस तरीके की प्लानिंग को कंसीव किया था एंड विच इज अ ब्यूटीफुल एंड जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो बहुत अच्छी दिखती है एंड लुक्स रियली ब्यूटीफुल. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लानिंग दैट वाज परसीव्ड. अब इस पे हम आते हैं कि प्लानिंग में जो येलो जोन आप देख रहे हो ये वही एरिया है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन एंड राजपथ एंड इंडिया गेट है. तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ही होंगी ब्रिटिशर्स की एंड दिस ब्लू जोन जो है दीज वर द बंगलोज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके होंगे एंड द रेड जोन वाज सपोज टू बी द कमर्शियल जोन. अब ये ब्लू जोन में भी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो बट जब ब्लू जोन में बहुत सारे पैलेसेस भी डिजाइन हुए थे एक्चुअली जब सारे राजाओं से इन लोगों ने उनकी एस्टेट्स उनके मतलब कब्जा कर लिया व्हाट देव एक्चुअली जो भी कह लीजिए उन्होंने कब्जा ही कर लिया तो जस्ट सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हर राजा को उन्होंने पैलेस बना के दिया एंड दे हैव देयर ओन जैसे देर वॉज वन हैदराबाद हाउस देन देर वॉज वन बीकानेर हाउस बड़ौदा हाउस सो देर गिवन दोज काइंड ऑफ पैलेसेज विच वर इन द सराउंडिंग द इंडिया गेट जोन. जो अगर हम जूम करते हैं तो ये इंडिया गेट है तो इस इंडिया गेट के चारों तरफ जो ये पोर्शन बनता था यहाँ पे यू हैव हैदराबाद हाउस देन यू हैव बीकानेर बड़ौदा हाउस ये सारे थे यहाँ पे. ऑफकोर्स जब ब्रिटिशर्स आफ्टर द फ्रीडम जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ओन कर ली थी एंड नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सम पर्पसेस. इनका कुछ फंक्शनल यूजेस अब डिफरेंट हो गए हैं. तो ये दिस इज हाउ द प्लानिंग वॉज लाइक एंड ये आपका सेंट्रल एरिया था विच वी बीन डिस्कसिंग एंड दिस इज द कमर्शियल. यहाँ पे एक एम्फी थिएटर भी है पीछे गार्डन के जहाँ पे
Rashtrapati Bhavan ke piche Mughal Garden and then the amphitheater. So secretariat buildings basically a Ministry of Home Affairs and External Affairs ke paas hai, and then the Parliament House. Everything is being taken care of by the government. So these are the zones basically, and this we've already discussed the aerial view. So this is a clear picture of how it is like. ये नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, और ये येलो कलर में जो दिखाया है सर्कल्स एंड ऑल, दे ट्राइंग टू शो हाउ द कनेक्टिविटी इज, हाउ द रोड्स आर मूविंग, सो दैट बिकम्स अ लिटिल क्लियर टू यू. सो जब ये प्लानिंग की गई थी तो मॉन्यूमेंट्स का भी बहुत डिजाइन, मैंने पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रपति भवन एक्चुअली हमने वहाँ पे उसलिए चूज ही इसलिए हुआ था बिकॉज उसका हाइट ज्यादा थी वहाँ पे रायसीना हिल्स पे, एंड देन ड्रेनेज वाज नॉट द प्रॉब्लम, एंड देन द लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद एंड इंद्रप्रस्थ एंड सबडिविजन टूम कुड बी क्लियरली सीन फ्रॉम देयर. दिस इज हाउ द नेटवर्किंग. अब आपको शायद थोड़ा बेटर क्लियर हो रहा होगा, डार्क इस इमेज में डार्क हो रखा है, सो दैट यू हैव दीज आर द राउंड अबाउट द हेक्सागन्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. So primarily making the whole planning systematic. So that is how basically it was designed. Sabke angles bhi inhone 30-60 degree ke rakhe the. So that is about it. Lot of gardens were planned with the fountains and then the water courses and fruit bearing trees bhi bahut zyada lage the. Imli ke pere, जामुन के पेड़, ये सारे बहुत हैं, अभी भी लगे हुए हैं उस एरिया में. तो ये सारी चीजें बहुत ग्रीनरी को बहुत एम्फेसिस दिया गया था. एंड देन द होल एरिया वाज डिजाइन थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू बी टोटली लो राइज, बहुत ज्यादा हाइट्स नहीं देंगे. तो बंगलोज भी जो बने हैं वहाँ पे वो G+1 G+2 एट द मैक्स है, उससे ऊपर नहीं जाते हैं. और प्लानिंग में भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी गई थी कि इंडियन कल्चर को फॉलो किया था, और क्योंकि इंडियन आर्टिजन्स ही थे जो काम कर रहे थे, क्राफ्ट्समैन भी इंडियन थे, और उनके लिए भी इजियर हो जाता है काम. और सिंस इंडिया हैज सच अ रिच हेरिटेज, तो उन्होंने उसको भी एलिमेंट्स को यूज करके उन्होंने जो डिजाइनिंग की थी, तो इट वॉज मिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट वॉज मिक्स ऑफ इंडियन एंड देयर ओन रूट कल्चर. तो जो इन्होंने कंसीव किया था इंडो सासनिक आर्किटेक्चर, उसमें इन्होंने इंडियन फीचर्स भी यूज किए थे, जैसे कि वो छतरी होती हैं कैनोपीज विच वी कॉल, देन द डोम्स और जो छज्जाज बनाए थे वो स्लोपिंग विद रेड सैंडस्टोन, पिंक सैंडस्टोन का यूसेज बहुत किया गया था जो कि क्लोजली अवेलेबल था उनका. तो ये मटीरियल्स भी उनके बहुत यूज किए थे. लुटियंस बंगलो जोन जो है यहाँ पे, जो जहाँ पे बंगलोज हैं वो भी G+1 हाइट पे रखे गए हैं, एंड देन लॉट ऑफ ग्रीनरी स्पेस, एंड देयर इज अ सेंट्रल रोड, एंड देन यू हैव अ ह्यूज लॉन, सो दैट ट्रीज लगाने के बाद सो दैट लॉट ऑफ ट्रैफिक पोल्यूशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. ये बातें बहुत ध्यान में रखी गई थी जब डिजाइन किया गया था, बिकॉज व्हेन यू डू द प्लानिंग इट इज नॉट प्लानिंग फॉर अ डेकेड, इट इज प्लानिंग फॉर सेंचुरीज. वो एक चीज जब प्लानिंग की जाती है तो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं. सो बेसिकली टाइपोलॉजी भी थी कि G+1 ही रखनी है, तो बंगलोज डिजाइन किए थे. तो ये दीज आर फ्यू ऑफ द इमेजेस ऑफ टिपिकल बंगलोज दैट वर डिजाइन बाय लुटियंस. This is the image of Rashtrapati Bhavan, जिसका layout plan है. और Rashtrapati Bhavan के layout plan में सबसे important था, there are a lot of courtyards in the center. बहुत सारे courtyards थे जिसके surrounding में building design हुई है. It's a wonderful building from inside. You can just Google search a bit on the images. You will get to know more about it. और
this is how you know Rashtrapati Bhavan looks like from the front. उसके पीछे जो मुगल गार्डन है जिसके ये इमेजेस देख रहे हैं, जिसमें हर्बल गार्डन, स्पिरिचुअल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्डन्स हैं. कुछ बाद में डेवलप हुए हैं. डॉक्टर कलाम ने ही took lot of initiative and interest into this. So बहुत कुछ बाद में भी डेवलप हुआ है, बट that it was there. This is the secretariat building and इसमें आप कुछ एलिमेंट्स देखोगे इंडो सासनिक आर्किटेक्चर के साथ, इसमें इंडियन कॉन्सेप्ट भी है. और देर आर फ्यू कॉलम्स विच आर नॉट इन द इमेज, यू कैन सी वन हियर. ऐसे कुछ कॉलम्स हैं जो कि दे वर गिवन बाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो वो वहाँ पे इरेक्ट किए गए हैं. तो दैट इज हाउ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग लुक्स लाइक. This is the Parliament House. It's a total circular building and it was designed by Lutyens and Herbert Baker together. And isme bhi indigenous materials use hue hain aur same sandstone ka use kiya gaya hai. Aur chote chote Indian jali patterns hain jo aap upar kahin dekhenge. If you go into detail, you have a very इंडियन कॉन्सेप्ट और सिंबल्स की बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूसेज हुआ है. तो दिस इज़ वेयर यू कैन सी जो ये थिक बैंड्स हैं ये यूज हुए हैं, एंड दीज आर द छज्जास. डोम का जो पैटर्न लिया है वो उन्होंने थोड़ा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से थोड़ा उठाया है. और डोम्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, तो ये थोड़े बुद्धिस्ट डोम्स का पैटर्न इन्होंने उसमें दे हैव यूज्ड इट. नाउ वी विल कम टू दिस इज द मेन जोन व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट वेयर वी हैड द राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट. उसके सराउंडिंग में इंडिया गेट के चारों तरफ मैंने आपको बताया था प्रिंसली एस्टेट्स थे. प्रिंसली एस्टेट्स वो थे जो जिनको बेसिकली ब्रिटिश ने क्योंकि उनकी पावर उन्होंने ले ली थी और दे गेव देम दे बिल्ट अप द बिल्ड द पैलेसेस फॉर देम एंड देन फॉर देम टू स्टे. इनको अब हम स्टेट भवन कहते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए अब यूज होते हैं. और इसी में बीकानेर हाउस था, यू हैड द जयपुर हाउस, यू हैड द हैदराबाद हाउस, लॉट ऑफ देम जो कि इंडिया गेट के चारों तरफ थे. इफ दिस इज द हैदराबाद हाउस and basically yahan pe this house is basically used for banquets and meeting of foreign delegates and dignitaries jo aate hain. aur it's still ye recent image hai aur aisa hi dikhta hai Hyderabad house. aur this is the Baroda house. Baroda house was actually it is situated next to Hyderabad house ke bagal mein hai. It's a beautiful building designed by Lutyens and isme aage upar aage train bhi hai jo ki matlab ek design ka hissa hai jo ye actually the Gaikwad of Baroda jo the unhone unke liye banaya gaya tha and he was actually educated in England. So he wanted his palace in New Delhi to be Anglo-Saxon style ka. To usme thoda sa westernized formation hai, form hai. A lot of terraces, grand corridors, cooling arcades, beautiful gardens, and well-ventilated salon, richly done by living rooms. Matlab thoda sa different culture unke interest ke hisab se ye design hua tha. Then this is the Jaipur house. And it is another beautiful building which is designed in the shape of a butterfly and has a central dome. ye sari aapko agar dekhenge to India Gate ke charon taraf hi aapko dikh jayenge. Patiala house bhi wahi pe hai. sare radial jo ban jate hain India Gate ke charon taraf jahan pe traffic flow karta hai uske charon taraf hain ye sari. aur ye in
कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन गई हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती हैं। ये अबाउट डिजाइनिंग था, बट इसमें वील टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स क्या आई। एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था, दे हैड थॉट टू स्टे फॉर लॉन्ग एंड दे हैड थॉट टू डिजाइन द होल दिल्ली, बट ड्यू टू कंट्री को फ्रीडम मिल गई एंड दे हैड टू लीव द कंट्री। दैट इज द स्टोरी एक्चुअली, वो सच्चाई है। बट जब ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब उन्होंने ये सोचा नहीं था। तो कुछ पार्ट होने के बाद जो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम ये आई थी कि जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स इस एरिया में काम कर रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम अदर अदर प्लेसेस, वो यहाँ पे लाए गए थे इस एरिया को डेवलप करने के लिए, उनके बारे में सोचा नहीं गया। एंड देन उनको रहने के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं थी, तो इवेंचुअली वो लोग धीरे धीरे जो वॉल्ड सिटी है पहाड़गंज, उस एरिया में जाके उन्होंने रहना शुरू किया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गई विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, जितने जितने साल में ये एरिया डिज़ाइन हो रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था। और सारे एरिया, इस एरिया को खाली करने की जगह वजह से बहुत सारे एरिया कंजेस्टेड होते चले गए, क्योंकि लोगों को उधर मूव कर दिया गया और बहुत सारे आर्टिजन्स ऐड ऑन हुए जो भी वहाँ आके रहने लगे, जिनके बारे में सोचा नहीं गया। एंड देन लेटर ऑन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड, आई मीन उन्हें प्रॉब्लम होने लगी लैक ऑफ रिसोर्सेज की, उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए एंड फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे। कंस्ट्रेंट्स के इश्यूज की वजह से दे कुड नॉट फर्दर डेवलप दिल्ली, जिसकी वजह से दिल्ली, अगर आप देखेंगे तो एक एरिया बहुत प्रॉपरली प्लान्ड है, उसके बाद उसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो बिल्कुल कंजेस्टेड है, अनप्लान्ड लगता है एकदम। डिफ्रेंसिएशन आप देखना देखोगे तो यू कैन फिगर इट आउट। एंड उसके लिए आई विल जस्ट गो बैक अगेन फॉर यू सो दैट यू कैन सी। तो दिस इज अः ये आपका राष्ट्रपति भवन है, इसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो एवरीथिंग लुक्स सो सिस्टमैटिकली प्लेस्ड। ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज अपने आप डिफाइंड सी है। आई विल शो यू इंडिया गेट आल्सो फॉर वंस। ये इंडिया गेट है और इसके चारों तरफ ये आपका राउंड अबाउट है, और इसके राउंड अबाउट के ये जंक्शंस जो बनते हैं बाहर के, इसमें यू हैव ऑल दी हाउसेस। वन हियर यू हैव द जामनगर हाउस, हियर यू हैव पटियाला हाउस, यहाँ पे नदन रेलवे, एंड देन ऑल मोस्ट ऑफ दीज हैदराबाद हाउसेस हेयर। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अराउंड ही दी थी। दिस इज़ द हैदराबाद हाउस, दिस इज़ द हैदराबाद हाउस। सो यहाँ से इंडिया गेट से आपका देख रहे होगे, ये सारी एरिया बहुत प्लान्ड आपको दिखेगा। एंड सडनली यू विल रियलाइज जब आप इस जोन से आगे बढ़ेंगे, ये आपका कनॉट प्लेस आ गया, दैट इज रेडियल, उसके बाद भी आपको काफ़ी कुछ दिखेगा। एंड सडनली कनॉट प्लेस के बाद, यहाँ एरिया के बाद आप एक डिमार्केशन देखेंगे वेयर दिल्ली लुक्स टोटली कंजेस्टेड अनप्लान्ड। आपको सडनली रियलाइज होगा कि अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो एकदम से बहुत डिफरेंस है। दिस इज होल एरिया विच वॉज डिजाइन बाय द लुटियंस एंड दिस इज द एरिया विच वॉज नॉट टच्ड एट ऑल। तो ये एरिया सारा का सारा आप देखोगे, दिस इज होल लॉट ऑफ कंजेस्टेड दिल्ली विच मूव्स ऑन लाइक दिस। सो दैट इज हाउ, और वो एरिया आज तक वैसा का वैसा है, और तो विच कुड नॉट बी प्लान। दैट इज वाई देर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन दिल्ली, दैट फ्यू एरियाज लुक वेरी they look elite, they look very classy, and suddenly when you get into the old Delhi, you realize pockets, you'll realize very you know
narrow streets and congested zones that is there. So that is this is the real Delhi is this actually, which you are seeing here. This is how it is. So whereas this is the Delhi which was actually designed, which looks amazing in aerial view also. So you can have a look, you can search and then see every building here. I have few links I have shared with my presentation. I'll be sharing the presentation with most of the people I know, and then my students knows, and through that you can get the, and there are a lot of links which have been made available so that you can go through those links also and know a little more history about Delhi, and of course every detailed you know designing of the buildings. जब ये मेरा ये पर्पस था इस में कि मैं आप लोगों को एनलाइटन कर सकूं कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है अब तक, और व्हाट हिस्ट्री देयर हैज बीन अ ह्यूज हिस्ट्री बिहाइंड. इतने रूलर्स ने सिटी को तबाह किया और वो वापस रीजेनरेट हुई, वापस वो डिस्ट्रॉय हुई, एंड देन दैट प्रोसेस एंड में जाके दिल्ली इज व्हाट इट इज नाउ. एंड उसमें कुछ उसके मेरिट्स भी हैं, उसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ ज़ोन्स बहुत अच्छे हैं, बट व्हाटएवर सेड एंड डन इट इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री एंड इट इज इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर एवरीबॉडी शुड कम एंड हैव अ लुक. So this is about Sir Edwin Landseer Lutyens, and this is how the kind of work he did. He has been awarded for that also, because he was majorly recognized for the planning which he did, the Delhi planning which he did, and he has been given honor for that also. So apart from this work, he did few other works, but the kind of recognition he got for this one is what is he's known for that. So I hope this lecture has given you a lot of vision about the architect as well as the city where we all are living and where which is supposed to be a capital. So have a look at the city in a different way, with a different perspective, and hopefully it would have served your purpose. Thank you so much. Thank you for being a part of the session and contributing to it. Thank you. Hello. Madam? Yeah, hello. Yeah. Hey, madam, are there any questions to be taken? No, not exactly. Thank you. Okay. Thank you everyone for attending.